है जी हमारे शो में कुकिंग आर्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो रैप। तो देख सकते हैं आप सामान, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च, और इसमें है पनीर, मटर और मैदा, और ये है हींग, ये है सोडा। आलू को उबाल लेते हैं। आलू उबालने रख दिया है, तब तक हम अपना को मार लेते हैं और उसमें हींग डाल लेते हैं, उसमें सोडा हींग सब डाल के मिक्स करके एक डो बना लेते हैं। अब हम इसको गूंथ लेते हैं। ये देखिए हमारा डो रेडी है। अब इसको 5 मिनट हम छोड़ देंगे ऐसे सूखने के लिए, और हमारी कुकर से सीटी भी बज रही है। तो अब हमारा आलू रेडी है, हमारा ये सब रेडी है। अब हम इनको छील के काट के रख लेते हैं। अब ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इनको सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें आलू डाल लिया है, अब हम पनीर डालेंगे, डूंगरी डालेंगे और कुछ लहसुन प्याज सब मिक्स कर लेंगे, थोड़ी मटर भी डाल देंगे, मसाला डालेंगे, थोड़ी हल्दी मिर्ची, जीरा पाउडर, हल्दी नहीं, और नमक भी डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला मिक्स करेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए को आटे को अब इसे बेल लेते हैं, गोल गोल बेल लेते हैं इसको। ये गोल हो गया है, अब इसको चौकोर कर लेंगे हम। इसको ऐसे चारों तरफ से काट लेंगे, इसको लाइनिंग भी बना लेंगे। लाइनिंग भी बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा रैप करेंगे इसमें, थोड़ा सा भरा, इसको ऐसे रैप किया, इसको यहाँ से किया, इसको ऐसे किया, और ये सारा रैप हो जाएगा। और फिर उसको ऐसे भी करना है देंगे अच्छे से। देखिए हमारा अब ये रेडी हो गया। अब हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, ले ली है, तेल पे हमने डाल दिया। अब तक हम गरम करेंगे फिर फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया, अब हम इसको फ्राई करेंगे। कितना सुंदर कलर आया है, अब हम सारे ऐसे ही सेक लेंगे। रेडी हो गए हैं, चलिए हम गार्निशिंग करते हैं। ऑलरेडी चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।